नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड आ चुका है और आशा करता हूँ कि आप सभी ने अपना अपना स्कोर कार्ड चेक भी कर लिया होगा। तो अब बात करनी है हमें कि आखिर कट ऑफ क्या जा सकता है इसमें। जा सकता है यही अंदाजा लगा सकते हैं हर कोई, ठीक है, क्लियर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि 2018 और 2019 के प्रीलिम्स में क्या फर्क है उसके बारे में हम बताते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कहां से आप लोग स्कोर कार्ड अपना देंगे। तो आपको ब्राउजर खोलना है, उसमें एमपीपीएससी की मेन साइट पर जाइए आप लोग। और कभी भी एमपीपीएससी के बारे में अगर आपको जानकारी उपलब्ध देखनी है तो मेन साइट पर जाया करिएगा। फिर चाहे आपको यूपीएससी की देखना है तो ही मेन साइट पर, यूपीपीएससीएस की देखना है तो मेन साइट पर ही जाया करिएगा, अन्य साइटों पर कभी मत भरोसा किया करिएगा। तो यहाँ जैसे ही आप लोग खोलेंगे तो यहाँ नीचे देखिए, ये आपका स्टेट सर्विस एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 डाउनलोड स्कोर कार्ड एंड ओएमआर सीट। तो यहाँ जैसे ही आप लोग कलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको इस तरह से साइट खुल जाएगी। तो यहाँ आपको रोल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है और यहाँ आपको कैप्चा डालना है, ठीक है, सिक्योरिटी की। इस तरह से आप लॉग इन करेंगे, आपका स्कोर कार्ड खुल जाएगा और आप देख सकते हैं। अभी तक मेरी जितने लोगों से बात हुई है उनमें से अधिकतर के 65 से 67, किसी के 64, किसी के 63, किसी के 60, अपने अपने हिसाब से, लेकिन मेरे 67, 68, 70 तक मेरी बात हुई है। अभी तक इतने ही लोगों के आ रहे हैं, क्वेश्चन ठीक बताए जा रहे हैं। तो अब देखिए, रिजल्ट आने के बाद मालूम चलेगा कि कौन कितने पानी में है, क्योंकि आप देखते हैं कि पेपर हर किसी का सही जाता है और हर कोई पेपर देने के बाद अच्छे से नंबर बताता है। आप इसमें आप लोग जानते हैं कि कौन क्या बोलता है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट पर सबकी औकात पता चल जाती है, समझ रहे हैं कि किसका कितना स्कोर रहा और कौन पास होता है। अभी ये स्कोर आया हुआ है, अभी रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्लियर मालूम चल जाएगा जिसका होता है उसी का, उसने पढ़ा है या नहीं, कितने नंबर बताए थे, इस पर कोई नजर नहीं जाती किसी की, उसी का माना जाता है जिसका हो जाए। तो याद रखिए, 2018 की अगर हम बात करें प्रीलिमिनरी की, यानी कि एमपीपीएससी प्री की, तो 298 सीटें थी, कितनी, 298। और अभी अगर हम लोग बात करें 2019 का, जो आपका 12 जनवरी 2020 में हुआ था, इसमें आपकी 548 थी, कितनी, 548 सीटें थी, ठीक है। पिछली बार आपका जनरल की अगर हम लोग बात करें तो ये गया था आपका लगभग वही 67-68, कितना, 67-68 के करीब, ठीक है, और इतना ही 66-67, 65-66 ओबीसी का था आपका। लेकिन आप एक याद रख सकते हैं, यहां ध्यान देने योग्य बात है कि 2018 का जो प्रीलिम्स था वो बहुत सरल पेपर था, आसान था, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जिससे भी आप पूछिए अगर अच्छे से पढ़ता होगा और अच्छे से उसने जानकारी होगी तो वो भी बताएगा यही कि आपका आसान पेपर था 2018 वाला। 2019 वाला कठिन पेपर था, इसमें कोई दोहराय नहीं है। अगर हो सकता है आपने लोकल पढ़ा हो, एमपी स्पेशल लोकल ज्यादा पढ़ा हो तो आपके क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर जिसने सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था उसने केवल एमपीपीएससी को नजरअंदाज करके दिया है तो उसके कम होंगे, क्योंकि आप देख रहे थे कि एमपी स्पेशल को ज्यादा ही पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि मैं अभी की अगर 2019 की प्रीलिम्स की बात करूं कट ऑफ की, तो इसमें मुझे लगता है कि देखिए अभी जो सीटें हैं इसमें लगता है कि 64 से 65 ओबीसी, कितना, 64 से 65, मुझे लगता है इतने में हो जाना चाहिए सीटों को देखते हुए और पेपर को देखते हुए, और 66-67 इतना ही जनरल के लिए काफी है, क्योंकि सीटें ज्यादा हैं और अभी सीटें बढ़ने की और बात की जा रही है तो हो सकता है कि सीटें बढ़ जाएं। तो आपका जिसके 67-68 क्वेश्चन सही है उसका क्लियर हो जाएगा, 70 से जिसके 70 तक छू रहा है वो अपने बेझिझक होकर मेंस की तैयारी में लग जाए। और मेंस की तैयारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबकी पढ़ाई रुक चुकी है इस समय, कोरोना वायरस की वजह से सबकी पढ़ाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जो घर चले गए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कोई बाहर रुका हुआ है, क्योंकि इंदौर आप देख रहे हैं पूरी तरह से खाली हो चुका है, भोपाल आपका पूरी तरह से खाली हो चुका है, और जो घर गए हुए हैं वो किताबें लेके नहीं गए हुए हैं, समझ रहे हैं, तो उनने भी, और जो किताबें लेके गए हुए हैं
वो नहीं घर पढ़ पाते, समझ रहे? तो इसलिए आप मेंस की तैयारी हमेशा कभी भी जब भी प्रीलिम्स देते हैं आप लोग, मेंस और प्रीलिम्स दोनों पढ़कर दिया करिएगा, समझ रहे हैं? अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करते बैठ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कभी सिलेक्शन हो पाएगा। इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप प्रीलिम्स को अकेले यानी कि वन लाइनर रट के कभी कोई एमबीबीएससी हो, फिर चाहे आईएएस सिविल हो, आप नहीं निकाल सकते। तो आपको दोनों साथ में लेके चलने पड़ती है, प्रीलिम्स और मेंस। आप समझिए कि प्रीलिम्स निकाल ले, उसके बाद 2 से 3 महीना मिलेगा आपको, 2.5 से 3 महीना टाइम। क्या 3 महीने में आप मेंस की पूरा आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि कर पाएगा कोई। ठीक है, अब आप अपनी जगह देखिए, कोई महान कई महान लोग होते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, वो 1 महीने में भी कर सकते हैं, 2 महीने में भी कर सकते हैं। तो समझ रहे हैं कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो नॉर्मल है, उनकी बात की जा रही है। तो इतना ही, आप लोग टेंशन फ्री होकर रहिए, और अगर आपका जो भी रहेगा 67-68 से इससे ज्यादा नहीं जाएगा मुझे लगता है, और फिर जाता है आगे तो आप पढ़ाई करिए, मेंस की तैयारी करिए, आगे नहीं होगा अगली बार होगा, अगली बार भी मेंस दे पाएंगे। देखिए, मेन एमपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, फिर चाहे सिविल सर्विस आईएएस, कोई भी एग्जाम हो मेंस, जिसमें मेंस लिखने पड़ता हो, आपको लिखित पेपर हुआ करते हो, उसमें मेन रहती है आपकी आंसर राइटिंग। आप कभी भी पेपर निकाल लीजिए, प्रीलिम्स निकाल लीजिए, लेकिन अगर आपकी आंसर राइटिंग नहीं है तो आप मेंस कभी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आपके अगर 65 तक क्वेश्चन सही है जा रहे हैं तो आप बेझिझक मेंस की तैयारी करिए। होता है तो आपकी तैयारी है तो आप मेंस में बैठ पाएंगे और आराम से निकाल लेंगे। अगर नहीं होता है तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अगली बार आप लोग पेपर दीजिए। और ये मेंस की ऐसा ही तैयारी होती है कि ये हर बार आपको प्रॉफिट देगी, जितना ज्यादा आंसर राइटिंग करेंगे आप लोग उतनी प्रॉफिट मिलेगी। आज नहीं कल आपका सिलेक्शन तो होगा, आज ठीक है आप चूक जाते हैं, कल तो होगा कि नहीं होगा, भरोसा है या नहीं? अगर भरोसा नहीं है तो छोड़ दीजिए तैयारी, अगर भरोसा है तो आज नहीं कल होगा, और कल होगा तो आपको मेंस राइटिंग तो जरूरी है कि नहीं है, आपको मेंस तो लिखना है कि बिना मेंस दिए पास हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको प्रॉफिट होगा। जितना ज्यादा आंसर राइटिंग करते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। और रही बात कोचिंगों की, तो कोचिंगों पर मैं नहीं कहता हूं कि पूरी तरह से डिपेंड रही है या ना रही है, लेकिन आपकी सफलता में मुझे लगता है कोचिंग का महत्व 10 से 15%, 20% रहता है। शायद कई कोचिंग वाले को बुरा लगे, अगर कई लड़कों को बुरा लगे, लेकिन मैंने है आपको पढ़ना है और उनसे नोट्स बनाना है, क्योंकि कोचिंग वाले मैंने नोट्स भी देखे हैं और कोचिंगें भी देखी हैं, ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी देखी हुई है। आप ही सोचिए कि आपको मालूम ना हो कि जबलपुर खजुराहो के बारे में मालूम ना हो आपको, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? अगर आपने एनसीईआरटी या फिर किसी भी बुक्स में आपने खजुराहो के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है, जब आपको मालूम हुआ कि खजुराहो क्या है, स्थान क्या है, यहाँ फेमस है, उसके बारे में तभी तो लिख पाएंगे आप, कि बिना पढ़े लिख देंगे? तो आप जितने से ज्यादा हो सके पढ़िए, कोचिंगों पर कम भरोसा करिए। और एक बात आप हम लोग हमेशा याद रखिए, अब हम लोग मेंस आंसर राइटिंग पर भी हम लोग कल परसों से बात करते रहेंगे, ठीक है, किस तरह से आंसर राइटिंग हमें करनी है, किस तरह से हम लोग सफल हो सकते हैं। और आपके लिए प्रीलिम्स के लिए मैं, मुझे लगता है कि मैं इतना मटेरियल उपलब्ध करवा दे चुका हूं तुम लोगों को, आप लोग प्लेलिस्ट सूची में जाइए, उसके बाद मुझे लगता है कि मैं इतना मटेरियल उपलब्ध करवा चुका हूं अपनी तरफ से कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और जो क्वेश्चन आपसे छूटेगा वो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। देखिए, पूरा मध्य प्रदेश स्पेशल यानी कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूरा कवर करवा चुका हूँ, जितने भी आपके ओल्ड पेपर हुए 2010-11 से लेकर और 2019 तक, सभी कवर कर चुका हूँ। उसके बाद आप देखिए एनसीईआरटी आपके कवर कर चुका हूँ, और जितनी भी टेक्स्ट बुक है उन्हें भी हम कवर कर रहे हैं। तो आप बेझिझक झिझक होकर आप लोग तैयारी करिए, और जो भी अगर कमी है तो फेसबुक पे SMS करिए, फेसबुक पेज पर, ठीक है, वहां आपको PDF जो भी रहेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी हम PDF देते रहते हैं आपको। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत है अन्य जगह, कि आपको नोट्स खरीदने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ दे चुका हूं मैं। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट सूची देखिए, उसमें देखिए कि आपका वन डे एग्जाम है, चाहे फिर
यूपीएससी है या सिविल सर्विस है या फिर स्टेट पीसीएस है, कोई भी स्टेट पीसीएस, उस हिसाब से मेरे तरफ से आपको इतना मटेरियल दे चुका हूँ कि शायद मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको मिलेगा फ्री में, ठीक है। और मेरी ये गारंटी है, मेरी तरफ से वादा करता हूँ कि मैं कुछ भी करूँ, कहीं से भी कुछ भी उठाऊँ, कुछ भी करूँ, लेकिन आपको फ्री में देता रहूंगा मटेरियल। अब आपकी एम लक्ष्मीकांत बचती है, उसे भी मैं कवर कर दूंगा कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो इसमें बेझिझक हो के आप लोग तैयारी करिए, और आपके 65+ हैं, 65 हैं क्वेश्चंस, तो आप मेंस राइटिंग में लग जाइए। अगर आपके कम भी हैं तो भी मेंस राइटिंग करिए, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेंस एंड काम में आपका मेंस ही आना है, लिखित ही आना है, यानी कि आप जितने जल्दी लिख सकते हैं वही काम आएगा। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहेंगे हम लोग, डेली मिलते रहते हैं वैसे तो आप लोग से। चलिए तो मिलते हैं, ठीक है, अगले।